इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। पाकिस्तान ने कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की मां और उसकी पत्नी को 25 दिसंबर को इस्लामाबाद जेल में उससे मिलने की इजाजत दे दी है। जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत ने जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा दी है। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद बीजेपी के नाना पाटोले ने नरेंद्र मोदी सरकार की कृषि नीतियों के विरोध में अपनी सीट से और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा शनिवार को गुजरात में होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी को एक झटका बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद अय्यर पाकिस्तान गए थे और वहां जाकर कहा कि अगर मोदी को नहीं हटाया गया तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते। एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने मोदी को नीच आदमी कहने के लिए मनीष शंकर अय्यर को निलंबित कर दिया था। राजस्व के स्टेबिलाईजेशन के आधार पर जीएसटी काउंसिल 12% और 18% के स्लैब का विलय करने की संभावना की समीक्षा करेगा। बिहार के डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी ने यह सुझाव दिया है कि चीजों पर कीमत सभी टैक्सेस के साथ दिखाई जानी चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें उन्होंने पाटीदारों को आरक्षण और किसानों को कृषि कर्ज माफी की बात की गई है संवैधानिक रूप से नामुमकिन है और वित्तीय रूप से असंभव है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी की समाज को बांटने वाली सोच राज्य के लिए हानिकारक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पटना में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ी 3 एकड़ की एक जमीन को जब्त कर लिया है जिसकी कीमत 45 करोड़ बताई जा रही है। ये 2006 में IRCTC होटल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जुड़े एक मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संदर्भ में हुआ। दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है जिसने एक नवजात शिशु को गलती से मृत घोषित कर दिया था। हॉस्पिटल ने कहा है कि उनकी तरफ की कहानी सुने बगैर ये फैसला लिया गया है। CBI की खास अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरिंदर कोहली को 2006 के सनसनीखेज निठारी नरसंहार के 9वें मामले में भी दोषी पाया है। इन दोनों ने बलात्कार हत्या और नरभक्षी बनने के आरोपों को स्वीकार किया है। भारत वासेनार एग्रीमेंट का हिस्सा बन गया है जो पारंपरिक हथियारों और ड्यूअल यूज गुड्स और तकनीक के वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य इन चीजों का आतंकियों तक पहुंचने से रोकना शामिल है। कथित रूप से इटली जाने के लिए मुंबई हवाई अड्डे की ओर जाते वक्त एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों को स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के साथ उनके विवाह के अफवाहों से भरे सवालों की बौछार झेलनी पड़ी। हर तरफ यह अफवाह है कि वो लोग 11 दिसंबर को शादी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।